नमस्कार दोस्तों दोस्तों पत्रकारिता की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर वो काम कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो करना। और मुझे बचपन से ये पसंद था, लोगों से मिलना जुलना, किताबें पढ़ना, हरियाणा की राजनीति के बारे में जानना। तो हरिभूमि टीवी के माध्यम से फिर ये पूरे हरियाणा के जितने पुराने पॉलिटिशियंस हैं इनसे मिलने का अवसर मिलता रहता है। और अभी मैं एक बहुत बढ़िया आदमी से मिला और आप सबने उसका नाम सुन रखा होगा, उनका नाम है रघु यादव जी। रघु यादव जी पहले ऐसे रेवाड़ी के विधायक थे जिनके नाम के पीछे यादव लिखा हुआ था। और रघु यादव जी काफ़ी साल से उनका कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। और 1987 में चौधरी देवीलाल की जब लहर आई थी तब वो रेवाड़ी से विधायक बने थे। हालांकि वो 10-12 चुनाव लड़ चुके हैं, जीते सिर्फ एक में ही। और उस सरकार में फिर नौकरियां और जो साउथ हरियाणा है उससे भेदभाव में के हो रहा था, जो उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो कभी नहीं चुने गए। और रघु यादव जी ने एक सौगात मुझे दी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दरअसल। और ये सौगात ये है दोस्तों, वो बहुत साल तक आपके नाम से एक अखबार निकालते रहे। और ये जो आपका नाम है ये सितंबर 2013 की कॉपी है उनकी, ये अगस्त 2012 की है। कि हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग उन्होंने इस किताब में दर्ज किए हैं। और ये कुछ राष्ट्रीय उस पर भी लिखते थे, गांधीगिरी ठीक गांधी गर्दी नहीं। ये जनवरी 2012 का है, ये दिसंबर 2012 का एक अंक है, गांधी के जवाहर। तो इस तरीके से वो एक अखबार निकालते थे। और ख़ास बात ये कि ये अखबार अहिरवाल में बहुत बिकता था। एक होकर नारे आप बोलता चला जाता था, आपके नाम आपके नाम आपके नाम, और लोग उसको खरीद के पढ़ते थे। इस तरीके का क्रेज़ रघु यादव जी का था। तो रघु यादव जी के साथ रेवाड़ी उनके घर पे गए। उनकी पत्नी का तो निधन हो चुका है। और ख़ास बात यह कि उनकी पत्नी प्रोफेसर थी और उन्होंने जितने भी पैसे ज़िंदगी में कमाए वो रघु यादव जी ने राजनीति में खर्च कर दिए। लेकिन खुश हैं वो अपनी ज़िंदगी से बहुत। और रघु यादव जी के घर पे मुझे एक बिल्ली भी मिली दोस्तों, बहुत प्यारी बिल्ली थी और उसका नाम है वन-टू। और थोड़ी देर तो वो बिल्ली थोड़ा दूर दूर घूमती रही, लेकिन जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो वो बिल्ली बीच बीच में आ रही थी। उसके बाद वो फ्रेंडली हो गई। और जब इंटरव्यू के बाद रघु यादव जी के घर पे हमने खाना भी खाया, तो खाना खाने के बाद जब मैं थोड़ा नीचे आराम से बैठा था तो वो बिल्ली मेरे पास आई। और उसके खूब सारे वीडियो फोटो भी मैंने बनाए हैं, वो आपको ज़रूर दिखेंगे। तो जो वन-टू है उनकी, रघु यादव जी की, वो भी बहुत प्यारी थी। और आप कई बार जाते हैं, कुछ यादें आपकी ऐसे जुड़ती हैं जिनको आप कभी भूल नहीं पाते हैं। तो ये जो बिल्ली है उनकी, रघु यादव जी की वन-टू, इससे मिलना भी मेरा एक अनुभव रहा। एक अनुभव और भी रहा उनकी, जो घर पे काम, जो खाना बनाने का काम जो करती हैं अम्मा, और मोतिया उनका नाम था, बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा। और उन्होंने जो खाना बनाया दोस्तों बहुत शानदार खाना था। और रघु यादव जी और जो मोतिया अम्मा हैं वो इसलिए भी याद रहेंगी कि उनके हाथ का नेवाला हमने खाया, मैंने और नीरज ने पूरा। नीरज तो उसकी खुराक तो मेरे से भी ज़्यादा है। तो हमने बहुत मस्ती की और रेवाड़ी में एक अच्छा दिन बिताया। और उनके जो एपिसोड हैं उनकी बातचीत के, वो हरिभूमि टीवी पर आपको मिलेंगे। क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल ब्लॉग है, चैनल कह लीजिए, कभी कभार मैं अपने दिल की बातें इस पर रख लेता हूँ। तो हरिभूमि टीवी पर वो 19 से, कब से आएंगे नीरज? 20 तारीख से। 19 से, हाँ 19 को पहला एपिसोड आएगा, 19 सितंबर को। और उनके फिर 7 कड़ियाँ हैं, वो 7 पार्ट हैं उसके, तो उसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे कभी कभी मैं जब फुर्सत होगी दोस्तों, तो ये जो आपके नाम में उन्होंने चीज़ें उठाई हैं पुराने समय में, ये एक एक करके आपको मैं बताता जाऊंगा। और ख़ास बात यह है कि जो चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध था उसकी जो कड़ी थी, उसके जो मजबूत स्तंभ थे वो रघु यादव जी थे। और रघु यादव जी को इसकी वजह से जल योद्धा भी कहा जाता है। ये अहिरवाल का मैं इसको दुर्भाग्य कहूँगा कि उन्होंने रघु यादव को दोबारा मौका ही नहीं दिया। क्योंकि जिस बंदे ने असेंबली में रोजगार गारंटी अधिनियम प्राइवेट बिल न केवल वो लेके आए बल्कि पास भी करवाया, हालांकि वो स्टेट लिस्ट का मसला नहीं है इसलिए वो केंद्र को उस पर कानून बनाना था, वो कभी बनना ही नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी जिन्होंने बहुत थोड़े समय में, 2-2.5 साल वो रहे, फिर इस्तीफा दे दिया था, फिर चुने ही नहीं गए, चुनाव पे चुनाव लड़ते रहे,
और अहिरवाल की राजनीति का ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि रघु यादव जी को अवसर नहीं मिला। अगर उनको अवसर मिलता तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते थे। और हरियाणा में ऐसे बहुत सारे लोग हुए दोस्तों जिन्होंने, जनता ने उनको ज़्यादा अवसर ही नहीं दिए, क्योंकि जनता वोट देती है पैसों पे, हवा पे। तो नेताओं का जो चुनाव करने का हमारा जो ढंग है वो दरअसल ख़राब है, उसको हमें बदलना होगा। अच्छे लोगों को अवसर देने होंगे तभी राजनीति बदल सकती है। तो ये जो रघु यादव जी से जो तोहफा मुझे मिला है, इस तोहफे को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और कभी कभी इन्होंने जो इशू इस पे उठाए हैं उन पे, उन इश्यूज़ को मैं बताता रहूँगा और आपसे मिलने की कोशिश करते रहेंगे इस चैनल पर भी। कुछ दिल की बातें क्या करेंगे, और हरिभूमि टीवी तो हमेशा है ही आपके लिए, और ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी पे है, तो कभी कभी इस पे डाला करेंगे। कुछ साथियों का कहना था कि आप इस पे भी कुछ डाला करिए, तो इस पे डाल दिया करेंगे। एक मुलाकात डॉक्टर भीम सिंह दहिया से भी हुई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अगला वीडियो जब बनाऊँगा तो डॉक्टर भीम सिंह दहिया के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो क्या आपके नाम जो अखबार है दोस्तों, आप पढ़ना चाहेंगे? अगर आपकी दिलचस्पी हो तो ज़रूर आप कमेंट करना, तो फिर मैं इन पे कुछ वीडियो बनाना चाहूँगा। नमस्कार, शुक्रिया।